नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र से मैदान में विकास पुरुष के रूप में उभरे कांग्रेस के दिग्गज प्रत्याशी दिलीप गुज्जर जी ने एक बार फिर अपने किए गए विकास कार्यों की बुनियाद पर मतदाताओं की सहमति और समर्थन की तलाश में है। नागदा के विस्तृत अंचलों में उनके कार्यों को सराहना मिलते देखा गया है। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने श्री गुज्जर के समर्थन में काफी प्रचार प्रसार किया है। उनके समर्थन अभियान ने क्षेत्र के चुनावी माहौल में नई ऊर्जा भर दी है। हमारे खबरदार न्यूज की टीम ने जब श्री गुज्जर के साथ प्रकाश नगर, श्रीराम कॉलोनी और अन्य इलाकों का दौरा किया तो वहां के निवासियों ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान पार्षद विशाल सिंह गुज्जर भी और अन्य कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी भरपूर सहयोग रहा। विशेष वीडियो क्लिप में श्री गुज्जर को मतदाताओं द्वारा तिलक लगाकर और विजय भव की कामना के साथ आशीर्वाद दिए जाते हुए देखा गया। आइए देखते हैं दिग्विजय सिंह जी ने इस समर्थन के संदर्भ में क्या कहा है। इस चुनावी उत्साह और समर्थन की लहर को खबरदार न्यूज पर देखिए असली विश्लेषण के साथ। दिलीप गुज्जर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपनी विचारधारा का पक्का कभी बदलता है। जब भाजपा विधायकों को खरीद रही थी, ये व्यक्ति ऐसा है जिसने ताल ठोके कहा था कि मैं कांग्रेस छोड़ के नहीं जाऊंगा। अपने ईमानदारी के साथ और भाजपा को हरा के आए। हम पैसे लोग ऐसे लोग कभी नाराज भाजपा में नहीं है, दिलीप के साथ नहीं है, इसलिए कभी नहीं है, मजबूर है और वही लोगों के दम पर वो चुनाव जीतने बार बार जाता है। इसलिए मैं आपसे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप सब लोग समझदार, आप सब लोग अपने शक्ति को जानते हैं और उस शक्ति का उपयोग आपको चुनाव में करना है। कितने दिन बचे हैं? 3 दिन दिवाली, छोटी दिवाली, धनतेरस पे छोड़ दो, 9 दिन बचे। 9 दिन आपकी मेहनत है, 5 साल दिलीप की मेहनत है और हमारी मेहनत है। दिलीप मेरे घर का बालक है, मेरा भाई। इसलिए साथियों आप सबसे यही प्रार्थना है, विशेष तौर पे हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से यही प्रार्थना है, गरीबों से, मजदूरों से, किसानों से यही प्रार्थना है। ये पार्टी, ये भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने ही हमारे दलित आदिवासियों के लिए काम किया। अरे हमने 10 साल तक किसानों को मुफ्त में बिजली दी गई नहीं, गरीब अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के घर में एक बत्ती कनेक्शन दिया कि नहीं दिया। और कमलनाथ जी ने सरकार आते ही वादा किया था किसानों का कर्जा माफ करूंगा, शुरुआत कर दिया था और 1 लाख तक के कर्जे माफ हो गए थे, 2 लाख तक के होने थे, लेकिन उन्होंने सरकार गिरा दी। गिराने के बाद कोई योजना नहीं समाप्त कर और झूठ बोला कि कर्जा माफी नहीं हुआ। लेकिन जब विधानसभा में प्रश्न पूछा गया तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जो कह रहे थे कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, उन्हीं के मंत्री ने कहा कि 27 लाख लोगों के कर्जे माफ हुए हैं। और जो और शिवराज सरकार चला रहा है, चुनाव के 4 महीने पहले बैनो किया था, वो इसलिए याद आई कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में 1500 देने का वादा कर दिया था और हिमाचल में कर दिया था, तो उत्तराखंड नहीं कर देता हूं। योजना हमारी थी, चुराई उसने। और अब क्या झूठ बोलता है कि कांग्रेस को वोट मत दो नहीं तो योजना बंद हो जाएगी। अरे मामा, इतना झूठ ना बोल। अगर हमारी सरकार आई तो 1500 रुपये मामा दिए जाएंगे। इधर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगा हो गई, खाद महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, दवाई महंगी हो गई। मैं जो कह रहा हूं, 130 सीटों से ज्यादा हम लोग चुनाव जीत कर आए और जीतकर सरकार बनेगी
और आपके जितने भी वादे हैं हम एक एक वादा पूरा करेंगे, चाहे लाड़ी बहना का हो, चाहे हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की बात हो, गरीबों को जो पेंशन 600 रुपए मिलती है 1200 देने का है, आपके बच्चों को जो हम लोग प्रोत्साहन राशि 8वीं कक्षा तक 500 रुपए, 10वीं कक्षा तक 1000 रुपए और उसके बाद 1500 रुपए इसकी योजना हमारी रहेगी। आपके बिजली के बिल 100 यूनिट तक बिल्कुल माफ होंगे, किसानों का 5 वर्ष का बिजली का बिल माफ होगा। और एक और काम और है जिसके बारे में लोग समझ नहीं रहे, हमारा इलाका जो है गांव में शहर में कुछ नहीं मकान चले जा रहे हैं, उनके पास रजिस्ट्री नहीं है, कागज नहीं है, ये बहुत बड़ी कमी है। अगर सरकार हमारी बनती है तो जितने भी पुराने मकान बने हुए हैं शहर के और ग्रामीण के, उनका सबका जितने मकान हाथ में है उसकी जमीन की रजिस्ट्री सरकार मुफ्त में आपके करा के। गुर्जर जी जिनका विशाल जन संपर्क यहाँ पर जारी है, आप देख रहे हैं हमारे बीजेपी को भारी जन समर्थन मिल रहा है, जहाँ पर भी जाते हैं उन्हें यहाँ पर स्वागत के लिए आटे की थाली सांभे पहना कर सम्मान किया जाता है, साथ ही अपार जन समूह आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरह से तो उम्मीद जताई जा रही है कि जीत तय मानी जा रही है। आप देख रहे हैं क्षेत्र में विकास के लिए कौन कौन से मामले हो रहे हैं? क्षेत्र में उन्नति विकास ने बहुत सारे काम किए हैं, चाहे नायदा हो चाहे खाचू, मैंने नायदा एक तहसील टप्पा हुआ करता है उसको तहसील बनाया है, हमने न्यायालय खुलवाया है नागदा में, रजिस्ट्रार कार्यालय खुलवाया है, एस डी एम कार्यालय खुलवाया है, जिला उद्योग केंद्र उप कार्यालय खुलवाया है, नागदा बाईपास बनाया है, चंबल ब्रिज बनाया है, वो ऐसे कई बहुत सारे कार्य जो जनता की आशाओं के अनुभव खड़े उतरे। अब हमारा एक बात लक्ष्य नागदा को जिला बनाना है, यदि जिला बनता है तो निश्चित रूप से हमने शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी उन्नति करेंगे, मेडिकल कॉलेज हो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो चाहे अन्य बी एड कॉलेज हो या अन्य कई शिक्षण संस्थाएँ हमारे जिले स्तर पर शिक्षा आएगी, जिससे हमारे क्षेत्र में विद्यार्थियों बाहर पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा। साथ साथ जो अभी हम घरेलू उद्योग पर निर्भर रहे, यदि जिला बनता है तो हमें अन्य कई रोजगार के साधन हमें उपलब्ध होंगे जिससे कि क्षेत्र में विकास हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।